दोस्तों फिर से आप लोगों के लेटेस्ट अपडेट लेकर आऊँ। दोस्तों आज जो अपडेट लेकर आऊँ दोस्तों वो सीमेंस कंपनी के। दोस्तों सीमेंस कंपनी ऑलरेडी रिनोन्ड है, मशहूर है मार्केट में, उसकी वैल्यू है। तो ये दोस्तों एक ज़बरदस्त वैकेंसी है फायर एंड सेफ्टी जॉब से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों लोकेशन कौन सा रहेगा, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या लगने वाला है इसके लिए, और उसके साथ दोस्तों एक्सपीरियंस कितना लगने वाला है वो पूरा डिटेल में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। ताकि दोस्तों अगर आपका लोकेशन मैच करे, क्वालिफिकेशन मैच करे या एक्सपीरियंस मैच करे तो आप वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, और जिनका मैच नहीं करे वो भाई अब अपना लोकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे पास जैसे ही कोई जेन्युइन जॉब का ऑफर आए तो वो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आऊँ और उस पर मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। दोस्तों तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आज की जो ओपनिंग है दोस्तों वो लेटेस्ट सीमेंस की तरफ से। दोस्तों सीमेंस एक अच्छी कंपनी है मार्केट में, और इंटरनेशनल कंट्री आई मीन कंपनी है, और MNC माना जाता है इसको दोस्तों। तो इसी में दोस्तों ओपनिंग आई है, और क्या ओपनिंग है चलिए हम लोग देखते हैं। तो फिट बैठेगा तो अप्लाई कीजिए, वरना कमेंट्स कीजिए। दोस्तों ये जो ओपनिंग है दोस्तों बेसिकली सेफ्टी ऑफिसर, साइट सेफ्टी ऑफिसर केरला के लिए दोस्तों, और केरला के लिए इसमें जो ओपनिंग है दोस्तों वो कॉन्ट्रेक्चुअल रोल पर रहेगा सीमेंस लिमिटेड के लिए। तो दोस्तों इन्होंने मेंशन नहीं किया डायरेक्ट पेरोल पे रहेगा या कॉन्ट्रेक्चुअल पेरोल पे रहेगा सीमेंस के ही, ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया। तो दोस्तों लेकिन सीमेंस के लिए काम रहेगा, रोल जो रहेगा आपका वहाँ पर दोस्तों साइट सेफ्टी ऑफिसर रहेगा, और लोकेशन जो है दोस्तों वो है केरला। तो केरला में कौन सा लोकेशन है, लाइक त्रिवेंद्रम है या कोच्चि है या एर्नाकुलम, ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो लोकेशन पैन लोकेशन के हिसाब से आप केरला रहेगा, आप केरला में कौन सा लोकेशन है वो आपको जब CV शॉर्ट लिस्टिंग हुआ तो आपको बताया जाएगा। अब रही बात दोस्तों क्वालिफिकेशन की, हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। जिसमें बात चल रही है दोस्तों वो है टेक्निकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो लगभग 3 साल का आपके पास कोई भी होना चाहिए, मैकेनिकल हो गया या इलेक्ट्रिकल हो गया या सिविल हो गया, या आपके पास केमिकल डिप्लोमा कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल कोई भी डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो विद सेफ्टी सर्टिफिकेशन। तो सेफ्टी सर्टिफिकेशन कोई भी हो दोस्तों, निबोश का सर्टिफिकेशन हो या आयोश का हो या ओशा का हो, किसी भी हो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने दोस्तों कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं मांगा है सर्टिफिकेशन का। सेकंड जो एक्सपीरियंस की बात करो दोस्तों, 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं, और प्री फेरेबली केरला कैंडिडेट। तो दोस्तों केरला कैंडिडेट वेल एंड गुड, लेकिन दोस्तों अगर केरला के नहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो, CV शेयर कर सकते हो, क्योंकि CV शेयर करने का आपको कुछ पैसा वगैरह नहीं लगने वाला दोस्तों। तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें केरला को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रीफर किया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया का और भी किसी कोने से जा जाएगा तो उसका सिलेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको चांस है ज़्यादा है, लेकिन आपको भी चांस है। अब यहाँ पे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे अगर मैंडेटरी लिख देता नहीं ओनली केरला ही का बंदा अच्छी तो बात खत्म है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रीफर की बात किया, तो प्रीफर है तो आपको चांस है ऑल ओवर इंडिया किसी को भी। तो दोस्तों यहाँ पर रही सवाल दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा था। तो दोस्तों अगर आपका 2 साल का भी एक्सपीरियंस है या 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको लगता है कि आप इंटरव्यू पास कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपको कुछ पैसा नहीं लग रहा, करना क्या, सिंपली आपको ईमेल एड्रेस जो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना CV शेयर करना है। जैसे आप CV शेयर करो, अगर आपका CV शॉर्टलिस्टिंग होता है तो आपको कॉल आएगा या ईमेल आएगा, उसके हिसाब से आप फॉलोअप कर लेना दोस्तों। और चैनल पर नए हो दोस्तों तो जुड़ जाइए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर रोज़ाना मिलती रहेगी फायर एंड सेफ्टी जॉब से रिलेटेड एंड फायर एंड सेफ्टी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो टॉपिक दोस्तों एडिया से रिलेटेड हो, चाहे निबोश से रिलेटेड हो, या आयुष से रिलेटेड हो, या सेफ्टी या कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको रोज़ाना मिलती रहेगी दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और वीडियो मोटिवेट के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट।